Hi everyone, this is Neha from Rise and Shine and today I am here with difficult words with their meanings and pronunciation of chapter 1 from the book Moments and name of the chapter is The Lost Child. Class 9 ka chapter hai aur chapter full chapter ki Hindi explanation video upload kar chuki hoon. अगर नहीं देखी है तो देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. ठीक है, आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, क्यों कंजूसी करते हो बच्चों, लाइक ही तो करना है. सो चलो फिर शुरू करते हैं विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स. तो सबसे पहले है एलीज. एलीज क्या होती हैं? तंग गलियाँ, नैरो पैसेजेस. नेक्स्ट वन इज़ इमर्ज्ड. इमर्ज होता है टू कम आउट. गेली, हैप्पीली, मैरिली, खुशी खुशी से. क्लैड ह्यूमैनिटी, क्लैड होता है ड्रेस्ड, है ना. क्लैड ह्यूमैनिटी यहाँ पे मतलब है ह्यूमन बीइंग से, लोगों से. तो लोग अच्छे से ड्रेसअप होकर मेले के लिए जा रहे थे ना, इसलिए क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स ड्रेस्ड ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट वन है हमारा ब्रिमिंग ओवर. ब्रिमिंग ओवर मीन्स टू बी फुल ऑफ समथिंग, है ना. तो यहाँ पे लाइफ और लाफ्टर से फुल था, सभी बहुत ही खुश थे, ओवरजॉयड थे. नेक्स्ट वर्ड इज लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड बिहाइंड यहाँ पे है मतलब कोई चीज़ छूट जाना ना, तो बच्चा जो था वो ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड. फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड टू, किसी चीज़ को लेकर बहुत अट्रैक्टेड हो जाना. नेक्स्ट है लिंगरिंग, मीन्स जिसके लिए ना बहुत कोई इच्छा होनी, बहुत दिनों से कोई आपकी विश हो ना, बहुत दिनों से, तो उसको बोलेंगे हम. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रिसीडिंग. रिसीडिंग मीन्स लेफ्ट बिहाइंड, कोई चीज़ पीछे छूट जाना, है ना. नेक्स्ट वन इज़ सप्रेस, किसी चीज़ को दबाना, कोई चीज़ कंट्रोल करना, जैसे अपने इमोशंस को दबाना, है ना, और उनको जैसे पुट एन एंड टू, उनको मतलब छोड़ देना अपने इमोशंस को. एंड नेक्स्ट वी हैव टायरेंट्स, इट मीन्स क्रूल रूलर, अत्याचारी. एंड वी हैव नेक्स्ट वन गॉडी, इट मीन्स ब्राइट, बहुत चमकीला. इंटरसेप्टिंग, इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट, है ना, किसी चीज़ में थोड़ी रुकावट पैदा करना. एंड वी हैव अब्रेस्ट, इट मीन्स साइड बाय साइड, साथ साथ चलना. एंड टीमिंग आउट, कमिंग आउट, है ना, बाहर निकलना. ग्रोव, एक पेड़ों का छोटा सा झुंड. रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, तो इसका एक फ्रेज है, इसका मतलब होगा रनिंग एक्साइटेडली. थ्रॉन्ग्स मीन्स ह्यूज क्राउड, लोगों की भीड़. कन्वर्जिंग, गैदरिंग होना. रिपेल्ड मीन कोई चीज़ जैसे पीछे को हटती है, ऐसे लाइक नहीं करना ना, नॉट लाइकिंग. हीडेड मीन्स अटेंशन देना, ठीक है, पेड अटेंशन टू. कोर्स, कोर्स क्या आएगा, बड़ी हार्श सी साउंड, तेज, तीखी, अनप्रेजेंट. रिपलिंग, रिपलिंग जैसे पानी गिरता है ना, पानी की जैसे लहरें बनती हैं, ठीक है. इनविजिबल, अदृश्य. पे सडन जर्क, ऐसे ना जैसे झटका लगना ना, ठीक है, बॉडी यहाँ पे मतलब बॉडी को ऐसे वो एकदम से डर से जैसे झटका लगा, कंपकंपा जाना बहुत बुरे तरीके से. फियर्स, बहुत भयानक. कन्वर्ज मीनिंग वही एकदम डर से झटकटाना, शरीर का छटपटाना, उस तरह से ना. पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ज़्यादा डर के, जो पैनिक एकदम बड़ी डर वाली हालात, राइट. सोब, SOB, सोब. और सोब्स ये होती सिसकियाँ, सिसकियाँ ना, रोते रोते जैसे फिर ऐसे सांस रुक रुक के हम सिसकियाँ लेते हैं. एंड देन वी हैव कंजेस्टेड. कंजेस्टेड मीन्स फुल ऑफ, किसी मतलब भरा, बहुत ओवर क्राउडेड. लिंगरिंग आपको बता चुकी हूँ मैं, कोई बहुत दिनों की इच्छा होना. जोसल सीचर, एक दूसरे को पुश करना. हेफ्टी, हेफ्टी मीन्स लार्ज, वेरी हैवी, है ना, बहुत हैवी. और थ्रस्ट मीन पुश, फिर से धक्का मुक्की जैसे होती है ना. एंड ट्रैम्पल्ड, क्रश्ड, कुचल जाना. एंड देन सर्जिंग, पावरफुल अगेन. एंड स्टीयर्ड, वॉचिंग हेयर एंड देयर, देयर यहाँ वहाँ देखना. नेक्स्ट वी हैव परसुएसिवली, मतलब ऐसे मनाने के तरीके से ना, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करना. एंड देन डिसकंसोलेट,
डिसकंसोलेट चार्ज, मतलब कोशिश तो कर रहा था पर उसमें सफल नहीं हो रहा था। जैसे उसने बच्चे को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की, उसको कंफर्ट फील कराने की कोशिश की, बट वो नहीं हुआ उसमें कामयाब। एंड नेक्स्ट इज़ रिटरेटेड, इसका मतलब रिपीट करना, बार बार उस चीज़ को दोहराना। सो आई थिंक वी हैव डन विद द वर्ड्स एंड मीनिंग्स। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज, यू आर ऑल फ्री टू कॉमेंट मी। So bye-bye, take care.